समझ सकता जिन्हें जिन सदगुण चाहे दिए गुण समझ जाए। जब अभी मानसिक विचार की वो आपने बना के रखे बैठे हैं तो किस तरह से कहने यहाँ क्योंकि अच्छी सदगुण प्यार करते पे हैं या सदगुण से अपना मन दे देते मान पर जनानी गई है वही नहीं बनती अपने आप में ना आदमी के जनानी में ऐसा सरिश्ता है ए तू मेरा है कहीं पर ना तेरा है कहीं पर बस ऐ मान देता सी ले ने कभी मान देता सी तारों ने हरिश्चंद्र मान देता सी सीता ने राम इस करके मन का खेल जोड़ा है मेरा विचित्र है ये मन ते हजारा साल कुछ तब कीता फिर आके मेरे हाथ में नहीं आया लाइट उत्ते ही खड़ा रहा प्रकाश उत्ते और सिद्धियां प्राप्त करके तो जंगल तक उसे काट के गए तो रस्ते की मदद ही तो उच्च वो अपनी सारी ताकत खत्म कर दी काम जाग गया उसको उसने नीचे ही उन्हें सब कुछ खत्म कर दिया। सो राजा जनक को दसों सुखदेव ने नाम लिखा तो वेद व्यास जी ने पिताजी ने पूछा दस भाई तेरा गुरु कैसा है क्या सूरज बनता है सूरज तो कोई चीज क्या चंद्रमा बन गया वो नहीं है कलंक है मेरा गुरु मेरे गुरु अपने अलग ही किस्म का है और मैंने विष्णुपुरी को विष्णुपुरी के कहीं जान दिता उन्हें सिद्धियां मैं प्राप्त करने के बावजूद और इस गुरु ने मेरे अंदर का ज्ञान दिता है इसका कोई मुकाबला नहीं। हम मानता हूं मैं तुम्हें होर गल सुना अगर तुम्हें यह कह जाए कि तुम महाराज का कोई स्थान बनाओ अलग जिथे आश्रम बने किसी दे अंदर हिम्मत नहीं चाहे किन्ने करोड़ जमीन उन्हें रखी हुई तो कोई वह कोई एक टुकड़ा अपने गुरु के ना ला दो नहीं पैसे के बारे गल करो पैसा तो है ही नहीं सा और उस वेले हवाई जहाज भी घर आ जाएंगे हेलीकॉप्टर भी आ जाएंगे कारा भी आ जाएंगे लेकिन गुरु वास्ते पैसा इस करके असि मन नहीं दिता गुरु किसी ने नहीं दिता ये मन बड़ी इनायत होंगी उस मालिक सच्चे की जेड़ा कि जीव का मन सदगुरु अपने हाथ से ले उसके अंदर इश्क पैदा कर देगा कुछ कोटि का इश्क और जीव समझदा मेरा है ही कुछ वो कुछ है उसने चलो क्या मैं गलत कह रही तुम दसो कोई गलत कह रही ये चीजा सत्संग दिया अनुभव भी चाहिए ने और वो तुम दसनी गल सतपुरुष दाता है देन वाला है सतपुरुष कल वृक्ष है उसकी रजा देते जीव अगर टिके रहे तो हर किस्म के पदार्थ सगल पदार्थ जिसमें की देन वाला है आशीर्वाद देन वाला है सगल पदार्थ दे देता है उसे निहाल कर देता है जिन्हें कि राजा गरीब ने ब्याह के कर लिया है तो उन्हें रानी बना के तख्त पर बिठा देता है इस तरह सब पुरुष अंदर देवी रानी शक्तियां भी और संसारिक पदार्थ भी प्रदन वाले जीव दे अगे रखता है उन्हें किसी गल की कमी नहीं आती लेकिन एक शर्त रखता है कि उसे ओना ही दिता जाए जिद नाले की योग साधना है वह परमार्थ ना बिगड़े सपोर्ट ना किया जाए और इतना ही ऐसी चीजें ना दिखने जाए जेने की विषय जो कुछ फंस जाए प्रेम जो कुछ फंस जाए और हरि के नाम सिमरन छड़ के बैठ कभी सब कहते नहीं मैं चिंता किस गल की करा मेरी चिंता तो हरि करता है और मेरी चिंता कितने हो गई थी वो कुछ और होता है वही चिंता कर रहा हूं अगर असि इस फिलोसफी के उत्ते आ जाइए तो वाकई सतपुरुष की वही चीज नहीं है वो दाता है वो हरी है जो सब में पालता पिया है और दो लैके जो संसार में चाहता है तो तब तक सुनेगा ना हर चीज सुनेगा लेकिन किसी मूल को कहकर सारी उस चीज की शान कीमत गवा दो खत्म कर दो अगर तुम रजा पकड़ लो तो देखो फिर वो नजारे
किसना जीवन कुछ करता है, पहला कुछ प्रेम को करो, पहला उसकी पत्ति को करो। जो जन्म शरण में परे साधु सो पारे जन शरण में चारण है संता भी सब पुरुष उसमें आवागमन दे चक्कर जो कर देता है। तो शरण मेरी है प्रेम और शरण का बड़ा संबंध है आपस में। एक पत्नी जब ब्याह के आंधी है अपने ससुराल तो प्रेम पिछे प्रेम जब बेच पै जाते अपने पति नाल तो शरण में भी चल जाते रुखा देवे सुखा देवे मिठा देवे कौला देवे चिड़क भी बर्दाश्त करती है प्यार भी लगती है सब कुछ करती है रजा भी बचा देती है तू जिन्हें मैंने रख मैं खुश हाँ। जब उसकी रजा भी बचा जाती है तो वह पति पान लग पे तो जो उसकी रजाइश नहीं आती है जो मोह गोल करती है या कुछ बोलती है तो पति के अंदर मलान आ जाता है। प्रेम जब जीव के अंदर अपने सदगुण का पैदा है तो शरण जीव पकड़ता है सब कुछ जो कुछ है महाराज जी तुम अंदर और जब शरण पकड़ता है और जो नाम दिता जाता है उसमें जपता है सिमरन करता है और फिर अंदर जो है उन्हें नूरी रूप देखता है तो विश्वास आ जाता है कि वाकई मेरा मनुष्य एक आम आदमी नहीं है एक मौला है उसको भी उच्चा है। इस करके सब कुछ कहते हैं मोटे बंधन जगत की गुरु भक्ति से का गुरु की भक्ति कर गुरु जो कहता है उस तरह चल दो अपनी अकल ना लगा। गुरु नानक साहब जी दे सेवक गुरु अंगद साहब एक बार गुरु नानक साहब जी ने रात के वेले की क्या अपने बच्चों ने हा हा देख कि सोना सूर्य चढ़ रहा है है साधा तक ये जो है शिकाई हो गए पर रात वाले सूरज क्या दसते गुरु नानक साहब ने क्या आंदे सूरज दसता भी है ना तेन किन्ना सोना है कि भाई यस बहुत ही बुरी रूप है सूरज हाँ जी सूरज दसता अच्छा गुरु नानक साहब ने कहा जा फिर मेरे कपड़े ले जा बाहर चलते गया दिन चढ़िया है तो कपड़े तोड़ उसने भी क्या कि दिन नहीं चढ़े है रात आ गए कपड़े चुके साबन दिता बाहर चला गया और नदी के कपड़े तोड़ छुक कहने का मतलब है भक्ति इसमें कर लो इसी तरह ही लोग ने किया थी कभी में कि ये कितने है जिन नालों दिल है कुछ उन्होंने कहा तुम लंबा नहीं गया मैंने तू गार्डन जगा तो लग और लोही में दिस गया कुछ वो भी रुपया है उन्होंने क्या अच्छा लगती या लगती रही क्योंकि वचन लग गया उन्होंने नहीं कहा कि कुछ चल वो भी रुपया है करीब फोन ले गया अच्छा लोही चल मिल गया अच्छा जी इसमें कहने नहीं गुरु पत्नी गुरु गोबिंद सिंह जी मालवा देश के पंजाब बल्ला बराड़ सी जो लीडर उन्होंने बड़े इतने मालवा के जो लोग रहते बड़ा प्रेम करते थे गुरु गोबिंद सिंह जी। तो एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी अपने कोने पर चले गए पीछे कोने दूजे गए देख बल्ला देख किले कनक दिया फसलों खड़े महाराज ने कहने के कांग्रेस ग्रास का तू क्यों नहीं कहते भी है कनका ने कहने भी मैं क्यों कह रही हूं कार भी तुम कहते थे कनका नहीं फिर उन्होंने मौका दिता अंदर हो अंदर देखे देख किन्ने अंबा के बाग खड़े हुए देख किन्ने आप देख किन्ने आम लगे